गौहर शुरू करें खाना। गौहर इसके बगैर हम नहीं खा सकते यार, नहीं खा सकते इसके बगैर, नहीं खा सकते। ये लो मेरे पास भी है थोड़ी सी। ऐसे नहीं है गौहर, आई चूज माय फ्रेंड्स फॉर देयर गुड हार्ट एंड सम ऑफ देम पीपल आई नो आर गुड कैरेक्टर्स एंड माय एनिमीज फॉर देयर गुड इंटेलेक्ट। इस कैप्शन के पीछे रियल स्टोरी क्या थी यार? बड़ा ये मैंने लिखा हुआ। अच्छा यार, कोई और हैंडल करता है इसका ट्विटर और इंस्टा। मैनेजर ने लिखा होगा भाई, कहाँ है कोई? यहाँ है गौहर का मैनेजर, कोई गौहर का असिस्टेंट? अच्छा मैंने लिखा है। हाँ जी, ये आप ही क्या, हमने स्टेटमेंट निकाला है भाई। देखिए, अगर आपके दोस्त का दिल अच्छा हो और उससे अच्छी कंपनी मिले, उससे अच्छी और कोई बात नहीं है। और दूसरा आगे क्या था? जिनको मैं जानता हूँ, एक्विंटस जिनके साथ दोस्ती आ रही है, वो होते हैं अच्छे कैरेक्टर। उनका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो आपका एडवांटेज नहीं उनको लेना चाहिए। ठीक है ना? और जो आपके एनिमीज हैं, अगर तो कोई है, तो उनको हमेशा उनके साथ कॉम्पिटिशन काम पे होना चाहिए। उनका इंटलेक्ट अच्छा ही होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि वो कमजोर से कंपेटिटर्स नहीं, बेवकूफ दोस्त से अकलमंद दुश्मन बेहतर है। तो उससे ही होता है, उससे ही होता है जिस तरह आप क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, अगर आप एक बैट्समैन को देखते हैं, अगर वो बैट्समैन अच्छा ही नहीं है तो बॉलर जल्दी आउट कर लेगा। तो आपको यू नीड दैट सॉर्ट ऑफ कीप यू ऑन टोज, आई मीन टू कीप यू एक्टिव एंड यू नीड दैट हाई इन योर लाइफ टू डू वेल इन योर लाइफ। सो ये कौन है तीनों बेस्ट फ्रेंड? कौन है ये सारे बेस्ट? कौन से बेस्ट फ्रेंड यार? सबके सब सारे बैंड मेंबर्स बेस्ट फ्रेंड है। और बेस्ट फ्रेंड वैसे जो है वो तो कॉलेज के जमाने के पुराने, वो उसमें से है ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया चले गए। तो इंटेलेक्ट किनसे, मतलब कौन इंटेलेक्चुअल लगता है बहुत? यार मुझे उस तरह का कंपटीशन मिल ही नहीं रहा अभी तक ना, ये भी एक मसला है कि वो इंटेलेक्ट मुझे मिल अगले वेवलेंथ पे चल रहा है एक आदमी जैसा का है ही कोई नहीं, क्योंकि वो मतलब ऑनेस्टली मुझे नहीं मिल रहा, इसलिए मैं जवाब भी नहीं देता। ठीक है, सही, अच्छा है गौहर। आई एम वेटिंग। ठीक है गौहर, ओके यार। ठीक है जी, ठीक है, अपना भी इंटेलेक्ट